क्यों बे दो कोड़े के नौकर, तू अपने मालिक को बताएगा मैं क्या करती हूँ? हाँ मैं मालिक को सब बताऊंगा कि तुम उनके जाने के बाद लड़कों को घर पे बुलाकर क्या क्या करती हो। अच्छा तो तू मेरे पति के सामने मेरी पोल खोलेगा? हाँ मैं मालिक को सब बताऊंगा। अगर तुम चाहती हो ना कि मैं मालिक को ना बताऊं तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। काम? कैसा काम? तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। क्या क्या क्या, तुम राजी हो या मालिक को सब कुछ बता दूं? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पति को मेरी सारी सच्चाई बताएगा? दो कोड़ी के नौकर, दो मिनट लगा तुझे नौकरी पे से निकलवाने में। मालकिन मेरी तो नौकरी जाएगी, वो तो मैं कहीं भी लगा लूंगा, और तुम्हारी तो इज्जत जाएगी, उसका क्या? अबे दो कोड़ी के नौकर, तू मेरी इज्जत उछालेगा? तू ये मत भूल कि मैं तेरी मालकिन हूँ और तू हमारे यहाँ नौकरी करता है। हाँ इज्जत तो मैं तुम्हारी उछालूंगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो। अच्छा तो ये बात है, चल तू अब ये बता तुझे कितने पैसे चाहिए अपना मुंह बंद करने के लिए? पैसे वैसे नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो आपकी इज्जत चाहिए, वो भी एक रात के लिए। अबे ओए नौकर, तू अपनी औकात में रह, बता रही हूँ। ओ मैडम इज्जत से बात करो मुझसे, जब तुम इतने सारे लड़कों के साथ सो सकती हो तो मेरे साथ सोने में क्या बात है? ओए नौकर अपनी बकवास बंद कर, वो सपना अपनी मर्जी से करती हूँ मैं, ना कि किसी के दबाव में आकर। अरे मालकिन वो तो मुझे सब पता है किसकी मर्जी से क्या होता है। अबे ओए दो कोड़ी के नौकर, आज तू अपनी औकात से ज्यादा नहीं बोल रहा है। मौका तो तुम नहीं दिया है ये सब बोलने का, और मैं चुप भी हो सकता हूँ अगर तुम मेरी बात मान लो तो। एक रात ही तो सोना है तुम्हें मेरे साथ। चुप। हाँ हाँ चल ठीक है, मैं गुजार लूंगी तेरे साथ एक रात, अगर उसके बाद तूने जुबान खोली तो उन आदमियों से ही मरवाऊंगी तुझे जिन्हें तूने मेरे साथ देखा है। चलो मुझे तो तुम जान से मरवा दोगी, पर तुम्हारा क्या होगा? उधर देखो मालिक, अब तो आपको मेरी बात का यकीन हो गया ना कि मालकिन आपके पीछे क्या क्या करती है? हाँ रामू ये सब यकीन हो गया कि ये मेरे पीठ पीछे क्या क्या करती है, और तू, तुझे शर्म नहीं आती तू ये सब करती है मेरे पीठ पीछे? देखो मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या कहा गलती हो गई? अरे गलती एक बार होती है और जो बार बार होती है ना उसे गुनाह कहते हैं, और वैसे भी तुम जिसे जान से ज्यादा प्यार करो ना वो धोखा देता ही है, और तुमने भी दे दिया। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो। अब यार खड़ी खड़ी देख क्या रही हो मुझे, निकलो यहाँ से। एक बार मेरी बात तो सुन लो। बस चुप कर, बहुत हो गया तेरा नाटक, अब मैं तुझे एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, निकल जा मेरी नजरों के सामने से। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने कहा ना निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, और आज के बाद इस घर की तरफ देखना मत। मालिक बहुत सही किया आपने, ऐसी औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हाँ रामू तू ठीक कह रहा है, अब तू एक काम कर, चल मेरे लिए एक कप चाय बना दे। ठीक है मालिक।